good morning students how are you all i hope all of you are doing good at home let's start today's worksheet today is wednesday and the date is 10 february 2021 this is worksheet number 166 this is an english worksheet from the unit 7 the giving tree this chapter is on page number 121 to 125 so let's begin but before we start about the play The Giving Tree, I want to talk about today's date. Today is the National Dewarming Day. Yes, on 10th February, we celebrate National Dewarming Day. This day is conducted all over India on February 10 every year with the Mopap Day on February 15. So, Aaj. दस फरवरी के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस नेशनल डी वार्मिंग डे जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है हर साल दस फरवरी को और मोप अप डे जो है इसका वो होता है पंद्रह फरवरी को द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज़ टू इरेडिकेट इंटस्टाइन वॉम्स अमंग ऑल प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रन थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्कूल एंड आंगनबाड़ी सेंटर्स इस दिन का उद्देश्य है स्कूल और आंगनवाड़ी के माध्यम से प्री स्कूल यानी कि छोटे बच्चों के स्कूल और जो स्कूल गोइंग एज इस मो इस नेशनल डी वार्मिंग को मनाने का उद्देश्य है आंगनवाड़ी और स्कूल के माध्यम से छोटे बच्चों के पेट में होने वाले कीड़ों से मुक्त करवाना इसके लिए स्कूलों में छोटी छोटी दवाइयाँ जो हैं दस फरवरी के दिन दी जाती हैं और जो बच्चे रह जाते हैं उनको वो चीज़ पंद्रह फरवरी के दिन दवाई दी जाती है जिससे कि उनके पेट में अगर किसी तरीके के की कीड़े हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं द बेसिक एम इज़ टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन एंड इंक्रीज न्यूट्रिशन स्टेटस एक्सेस टू एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इस कार्यक्रम के माध्यम से उद्देश्य यह होता है कि बच्चों की सेहत में सुधार किया जा सके और उनके पोषण है उसको अच्छा किया जा सके बढ़ाया जा सके ताकि वो बिना किसी बाधा के स्कूल आए और क्वालिटी एजुकेशन अचीव कर सकें सो नेशनल डीवॉर्मिंग डे एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य संबंध स्वास्थ्य पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हैं ताकि वो पेट संबंधी किसी तरह की बीमारी से नाप्र ना, से प्रभावित ना हो और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें सो दिस इज़ about national deworming day let's move further once again good morning let's read the following passage from the play the giving tree and answer the question given below so ab ek bar phir se hum niche di gayi kuch lines ko padh rahe hain jo ki play the giving tree mein se li gayi hain और उसके बाद हम उस पर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिनके आपको आंसर देने हैं Let's start. And after a long time, the young man came back. Now ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकोगनाइज हिम ट्री आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू माई एपल्स आर गॉन तो ये है प्ले की कुछ लाइन जिसमें बहुत समय बाद जब वो जवान लड़का जो कि उस पेड़ का दोस्त हुआ करता था वापस आया अब वो बूढ़ा हो चुका है और ट्री ने फिर भी उसे पहचान लिया ट्री ने उसे कहा कि मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना कि मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरे तो एप्पल जो है वो जा चुके हैं डियर चिल्ड्रन राइट डाउन द मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड अंडर इन द बुक आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर बुक में से जिस पेज पर ये लाइन्स दी गई हैं वो पेज नंबर यहाँ पर लिखना है और इन लाइन्स को बुक में अंडरलाइन करना है जहाँ से ये ली गई हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ए वाई वॉज द ट्री हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी ट्री आखिर में खुश क्यों था कहानी के अंत में पेड़ किस बात की वजह से खुश था वाई ही वॉज हैप्पी ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज स्पेंडिंग टाइम विद दिस फ्रेंड जो कि उसकी अल्टीमेट विश थी वो चाहता था कि उसका दोस्त उसे मिले उसके पास आए और आखिर में उसका दोस्त उसके पास आया उसके साथ समय बिताने के लिए क्वेश्चन बी वाई डू यू थिंक द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री तुम्हारे हिसाब से इस स्टोरी इस प्ले इस नाटक का नाम द गिविंग ट्री क्यों है यानी कि देने वाला पेड़ बताइए ऐसी क्या वजह है कि इस पेड़ का नाम इस पूरे च, नाटक का नाम द गिविंग ट्री है आई थिंक इट इज बिकॉज दी इज गिविंग एवरी थिंग इट हैजू हिज फ्रेंड क्योंकि पेड़ बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपना सब कुछ जो है अपने फ्रेंड को दे रहा है क्वेश्चन सी अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्राम द प्ले इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस आपको नीचे ट्री में चार सेंटेंसेज दिए गए हैं इन सेंटेंसेस को आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है और नीचे वाली लाइन्स में लिखना है सो so, मैं आपके लिए सेंटेंसेस रीड कर रही हूँ फ्रॉम द लेफ्ट साइड द ट्री गेव हिम इट्स ब्रांचिज टू मेक अ हाउस ट्री ने उसे अपनी ब्रांचेस दी घर बनाने के लिए इट आज हिम टू सिट ऑन द स्टेम्प उसने कहा कि वो मेरे स्टंप यानी कि मेरे ठूंठ पर बैठ जाए द ट्री गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट ट्री ने उसे कहा कि वो ट्री ने अपनी अपना तना दे दिया उसको उसकी नाव बनाने के लिए द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय ट्री ने एप्पल्स बच्चे को उस लड़के को दिए तो आपके आपने अगर स्टोरी पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सीक्वेंस क्या रहा है ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय

आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं इसमें से कौन सी कौन सी क्वालिटी हैं जो ट्री के लिए ट्री को बेस्ट डिस्क्राइब कर रही हैं वो आपको अलग से लिख सकते हैं फर्स्ट है केयरिंग यानी कि बहुत ही ध्यान रखने वाला काइंड यानी कि दयालु स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर एनर्जेटिक जिसमें बहुत एनर्जी हो शेयरिंग यानी कि जो शेयर करता हो चीज़ों को स्लीपी यानी कि सोया हुआ सिक यानी कि बीमार जेनरस उदार जेंडरस के लिए हम कहेंगे उदार पोलाइट प्यार से बात करने वाला टॉकेटिव बहुत बातें करने वाला ऑनेस्ट ईमानदार हेल्पफुल मदद करने वाला तो इन सभी में से आपको जो भी ट्री के लिए बेस्ट क्वालिटीज़ लगती हैं वो अंडरलाइन करनी है या सर्कल करनी है एट दी एंड आप इस चैप्टर की और, और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक के पेज नंबर 102 को यूज़ कर सकते हैं आप वन हंड्रेड टू को कम्प्लीट कीजिए इसके साथ पेरेंट्स के लिए सजेशन है कि वो बच्चों को पर्यावरण का महत्व बताएं और इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है इसके लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में बताएं और इन सबकी सूची बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करें सो दिस इज़ योर वर्कशीट इसे कंप्लीट कीजिए हम मिलेंगे कल तब